अस्सलाम असलम डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स सी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक टू क्वेश्चन इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन पार्ट ए द इक्वेशन इज गिवन एज ओवर ए प्लस टू इज इक्वल टू थ्री फाइव स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फाइव ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और थ्री जो है ए प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा लिखेंगे हम इसको इस तरह से फाइव इन टू ए क्या आएगा फाइव ए देट इज़ इक्वल्स टू थ्री को आपने ए प्लस टू से करना है तो आप थ्री लिखेंगे इन टू ब्रैकेट लगा के ए प्लस टू लिखेंगे अब आपने क्या करना है जी इसको मल्टीप्लाई करना है फाइव एज इट इज़ लिखेंगे फाइव एज इट इज आ जाएगा थ्री को ए से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ए आएगा प्लस थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जिक्स आएगा थ्री ए को अगर आप इधर ले आए शिफ्ट कर लें तो ये माइनस हो जाएगा फाइव ए माइनस थ्री एज इक्वल टू इधर सिक्स रह जाएगा सिक्स लिखेंगे फाइव ए में से थ्री ए माइनस करें क्या आएगा टू ए सो टू एज इक्वल टू सिक्स अब आपने क्या करना है ए का कॉपिशन टू है सो टू से डिवाइड कर देंगे सिक्स को तो आपके पास आएगा ए इज़ इक्ल टू सिक्स ओवर टू कटिंग होगी टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री सो so हम लिखेंगे यहाँ पे देर फोर ए इज़ इक्वल टू थ्री दैट इज़ दी वैल्यू ऑफ ए जो हमने ए की वैल्यू निकालनी थी स्टूडेंट्स ये पार्ट ए हमने कर लिया पार्ट बी में स्टूडेंट्स ये देखें ये इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी टू को बी बी माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे और वन को बी माइनस वन से करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे टू इंटू टू को इससे करेंगे टू इंटू बी माइनस टू इज इक्वल टू वन को हम करेंगे बी माइनस वन से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये यह देखें यहाँ पर आप हम मल्टीप्लाई करेंगे टू को बी से आएगा टू इंटू बी टू बी माइनस टू को टू से किया मल्टीप्लाई टू टू जो फोर इज इक्वल टू वन को बी से मल्टीप्लाई किया आएगा बी माइनस वन को वन से किया तो वन इन टू वन इज़ वन यहाँ पर स्टूडेंट सब आपने ये करना है कि टू बी जो है ये एज इट इज़ लिख लें आप बी ये राइट हैंड साइड पे इसका साइन पॉजिटिव है इसको आप इधर लेके आएंगे ये माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस फोर है इसको आप इधर राइट हैंड साइड पे ले आएंगे प्लस फोर हो जाएगा तो माइनस वन ऑलरेडी इधर या इधर से ऊपर से देख के नीचे आप लिख लें तो ये माइनस वन आ जाएगा नाउ टू बी माइनस बी इज वट बी और फोर में से वन माइनस करें तो क्या आएगा थ्री तो हम आप लिखेंगे देयर फोर बी इज इक्वल टू थ्री सो दैट इज आंसर ऑफ पार्ट बी नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट करेंगे देखें सी पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है फोर ओवर सी प्लस थ्री माइनस थ्री ओवर सी प्लस टू इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करते हैं सोर्स हम ये कर सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम पहले लिखें फोर ओवर सी प्लस थ्री ये जो फ्रैक्शन है इसका साइन माइनस का है अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो इसका साइन प्लस हो जाएगा तो इक्वल इधर आ जाएगा हम लिखेंगे इज इक्वल टू थ्री ओवर सी प्लस टू अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये माइनस हो जाके प्लस हो गया अब ये देखें अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फोर को आप मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस टू से और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस थ्री से तो इस तरह से लिखेंगे फोर इंटू सी प्लस टू इज इक्वल टू थ्री को मल्टीप्लाई किया किससे सी प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर को सी से फोर सी फोर को टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे फोर टू जर एट इज इक्वल टू इसी तरह यहाँ पे थ्री को सी से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सी प्लस थ्री इन थ्री इज़ नाइन तो अब यहाँ पे फोर सी हम एज इट इज़ लिखेंगे थ्री सी इधर है इसको इधर ले आएंगे ये माइनस थ्री सी हो जाएगा और ये प्लस एट है इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस नाइन पहले लिख लें और प्लस एट को जब उधर जाएगा तो ये माइनस एट हो जाएगा फोर सी में से थ्री सी माइनस करें क्या आएगा सी इज़ इक्वल टू नाइन में से एट माइनस करें क्या आएगा वन तो स्टूडेंट्स के पार्ट सी का आंसर है इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो सी की वैल्यू क्या आएगी सी इज इक्वल टू वन दैट इज आंसर जिस स्टूडेंट्स पार्ट डी देखें फाइव ओवर डी प्लस फोर माइनस टू ओवर डी माइनस टू इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले फाइव ओवर डी प्लस फोर लिखेंगे इसको ये माइनस का साइन है इसको हम उधर लेके जा सकते हैं इक्वल इधर आ जाएगा टू ओवर डी माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फाइव को डी माइनस टू से कर लें मल्टीप्लाई इक्वल टू टू को आपने डी प्लस फोर से करना है टू इंटू डी प्लस फोर मल्टीप्लाई करें फ़ाइव इंटू डी इज़ फाइव डी माइनस फाइव टू जार टेन इज इक्वल टू टू को डी से करें टू डी प्लस टू को फोर से मल्टीप्लाई करें टू फोर ज़ार एट फाइव डी लिखें टू डी इधर ले आए इसका साइन यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस टू डी ये माइनस टेन है ये इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस टेन प्लस एट ऊपर से देख के लिख लें नाउ फाइव डी में से टू डी माइनस करें सो यू विल गेट थ्री डी टेन प्लस एट क्या आएगा एटीन और डी का कॉप्शन थ्री है थ्री से डिवाइड करें तो डी इज इक्वल टू आएगा एटीन ओवर थ्री कटिंग होगी थ्री के टेबल से थ्री वन जार थ्री थ्री सिक्स ज़र एटीन और डी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स सिक्स इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट डी का आंसर आ गया स्टूडेंट्स एफ ई पार्ट करते हैं देखें सिक्स ओवर एफ माइनस टेन ओवर थ्री एफ इक्वल टू टू यहां पे इसको सॉल्व करते हैं हम यहां पे क्या करेंगे इस कैल्शियम लेंगे एफ और थ्री एफ कैल्शियम क्या आएगा थ्री एफ आएगा तो अगर हम इसको इसे सॉल्व करें एफ एफ से कैंसिल थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करें एटीन माइनस थ्री एफ और ये भी थ्री एफ है कटिंग हो जाएगी वन वन को टेन से मल्टीप्लाई करें टेन आएगा यहाँ पे एकवल टू टू आएगा नेक्स्ट स्टेप में आपने थ्री एफ को टू से मल्टीप्लाई करना है एटीन माइनस टेन लिखें एटीन माइनस टेन इज इक्वल टू टू को थ्री एफ़ से मल्टीप्लाई करें टू थ्री झा क्या आएगा सिक्स एफ आ जाएगा ये दोबारा देखें इसको आपने टू को थ्री एफ से मल्टीप्लाई करना है टू थ्री झा सिक्स सिक्स एफ़ आ गया नाउ 10 टेन एटीन माइनस टेन इज़ एट एट इज टू सिक्स एफ अब यहाँ पे आपने क्या करना है और लिख के आपने साइड चेंज करनी है सिक्स एफ इधर आ जाएगा एट इधर चला जाएगा अब एफ़ का कॉफिशेंट क्या है सिक्स है आपने क्या करना है कि एट को आपने डिवाइड कर देना है सिक्स है सिक्स जो है वो इधर आ जाएगा एट के नीचे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ़ इक्वल टू एट ओवर सिक्स कटिंग करेंगे टू के टेबल से टू थ्री ज़र सिक्स टू फोर एट तो एफ़ की वैल्यू क्या आएगी फोर ओवर थ्री अगर आप फोर को थ्री से डिवाइड करते हैं ये देखें सो थ्री वन थ्री, फोर माइनस थ्री इज वन तो ये आंसर आएगा वन होल वन बाय थ्री तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी वन होल वन बाय वन होल वन बाय थ्री सो ये हमारा स्टूडेंट्स पार्ट ई का आंसर है जी स्टूडेंट्स एफ पार्ट है फाइव ओवर सिक्स एच प्लस सिक्स ओवर सेवन एच माइनस नाइन ओवर फोर्टीन एच इक्वल्स टू फोर सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम लेंगे इस इसका एल्शियम लेंगे सिक्स एच सेवन एच और फोर्टीन एच का क्या आएगा फोर्टी टू एच फोर्टी टू एच और सिक्स एच को सॉल्व करेंगे तो एच एच से कैंसिल हो जाएगा सिक्स सेवन और फोर्टी टू तो सेवन आएगा सेवन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा थर्टी फाइव प्लस यहाँ पे क्या आएगा सेवन सिक्स और फोर्टी टू ए जैसे कैंसिल सिक्स इंटू सिक्स इज थर्टी सिक्स क्या है माइनस फोर्टीन को थ्री थ्री uh, से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फोर्टी uh, टू इसका मतलब है कि ये थ्री आएगा ए जैसे कैंसिल तो थ्री नाइनजा क्या आएगा ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू फोर यहाँ पर लिया इन तीनों का एलसीएम फोटी टू एच आया सॉल्व किया तो ये आपके पास थर्टी फाइव प्लस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी सेवन ओवर फोर्टी टू एच इक्वस टू फोर नेक्स्ट स्टेप में अब आप आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फोर के नीचे वन है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्टी टू एज जो है फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे थर्टी फाइव प्लस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी सेवन इज़ इक्वल टू फोर को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ फोटी टू एज के साथ पहले इस तरह लिख लें फोर इन फोर्टी टू एज नौ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे करते हैं थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स को पहले प्लस कर लेते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं आंसर आएगा सेवेंटी वन माइनस ट्वेंटी सेवन लिखेंगे इज इक्वल टू फोर को अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या आ जाएगा फोर टू ज़ार एट फोर फोर ज़ार सिक्सटीन साथ इसके आ जाएगा एच अब सेवेंटी वन में से स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर पर ट्वेंटी सेवन माइनस करना है तो यू विल गेट फोर्टी फोर सो फोर्टी फोर इज इक्वल टू वन सिक्सटी एट एज यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे ऐसा करते हैं और लिखते हैं तो ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये इधर आ जाएगी हम यहाँ पे लिखेंगे वन सिक्सटी एट एच इज़ इक्वल टू फोर्टी अब आपने एज की वैल्यू निकालना है निकालनी है तो आपने वन जो है इसका कॉफिशेंट है इसको आपने डिवाइड कर देना है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एच इज़ इक्ल टू फोर्टी फोर ओवर वन सिक्सटी एट ये स्टूडेंट्स फोर के टेबल से कटिंग इसकी होगी सो फोर वन जो फोर फोर वन जो फोर यानी फोर इलेवन ज़ार फोर्टी फोर और ये देखें नीचे सिक्सटीन वन सिक्सटी एट है फोर फोर ज़ार सिक्सटीन और फोर टू ज़ार एट इट मीन्स दैट कि हमारे पास पार्ट एफ़ का जो आंसर है एच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा एलेवन ओवर फोर्टी टू आ जाएगा सो दिस इज़ दी आंसर जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट जी हम करेंगे थ्री ओवर के प्लस वन माइनस वन ओवर टू के प्लस टू इज इक्वल टू फाइव स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं इस को ये देखें ऐसा करते हैं कि एलसीएम लेने से पहले यहाँ पे देखें ये के प्लस वन है ना अगर हम मैं यहाँ पे टू कॉमन लूँ तो यहाँ पे भी के प्लस वन बन जाएगा तो इसको हम इस तरह लिखेंगे थ्री ओवर के प्लस वन माइनस वन ओवर यहाँ पे टू कॉमन लें टू इंटू क्या आ जाएगा के प्लस वन ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू फाइव इधर भी आप जो है क्योंकि ये के प्लस वन है इधर आ रहा है इधर भी आ रहा है इधर आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं ठीक है अब आपने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना है एलसीएम हमारे पास क्या आएगा ये आएगा टू इंटू क्योंकि ये के प्लस वन है और यह टू इंटू के प्लस वन है तो ये आ जाएगा एलसीएम टू इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू फाइव तो ये देखें ये एलसीएम है और ये डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का तो यहाँ पे टू इंटू के प्लस वन को अगर के प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो के प्लस वन कैंसिल हो जाएगा टू बचेगा टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थ्री था सिक्स आ जाएगा ये माइनस है अब ये देखिए ये एलसीएम अब आपके पास टू इंटू के प्लस वन और यहाँ पे डिनोमिनेटर है टू इंटू के प्लस वन तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम है आंसर क्या आएगा वन तो वन इंटू वन इज़ वन ठीक है स्टूडेंट्स अब सिक्स माइनस वन क्या आएगा फाइव सो so फाइव ये आपके पास आ जाएगा फाइव ओवर टू इंटू के प्लस वन इज़ इक्वल टू फाइव यहाँ पे आपने क्या करने? 2 into K plus 1 करना है कि टू इंटू के प्लस वन को फाइव से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे फाइव तो फाइव इधर ही रहेगा फाइव इज़ इक्वल टू अब देखें ये टू है ना फाइव इंटू टू तो इसको मल्टीप्लाई कर दें फाइव टू से क्या आएगा टेन आ जाएगा टेन इंटू के प्लस वन अब स्टूडेंट्स आपने काम करना है कि टेन को के से भी मल्टीप्लाई करना है टेन को वन से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये फाइव एज इट इज आएगा फाइव इज इक्वल टू टेन इंटू के इज टेन के प्लस टेन इंटू वन इज टेन अब आपने क्या करना है कि टेन जो है प्लस टेन इधर ले आए ये हो जाएगा फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू टेन के अगर आप फाइव में से टेन तो माइनस नहीं होगा लेकिन माइनस टेन में से फाइव अगर माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा माइनस फाइव आएगा सो तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं माइनस फाइव इज इक्वल टू टेन के इधर आप लाइन लगाएं और यहाँ पे अब बाकी मैं पार्ट यहाँ पे करता हूँ ये देखें इसको लिखेंगे और लिख के तो ये टेन के जो है आप क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है तो टेन के इधर आ जाएगा और माइनस फाइव जो है हम इधर इस तरफ लिखेंगे ठीक है और अब आपने क्या करना है कॉफिशेंट के का क्या है टेन है टेन से डिवाइड कर दें तो के इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस फाइव ओवर टेन कटिंग हो सकती है कटिंग करें फाइव वन ज फाइव फाइव टू ज टेन सो इस इट मीन्स दैट के के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इज़ यू टू माइनस वन बाई टू सो दैट इज दंसर यह स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट जी किया है जिसका आंसर क्या है माइनस वन बाय टू स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा इसके सारे पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़